दोस्तों बारिश का मौसम ख़त्म हो गया है और विंटर का आगाज़ होने वाला है। वैसे में दोस्तों अगर आपके एडेनियम में फूल नहीं खिल रहे हैं तो आप कौन सा फर्टिलाइज़र डालें ताकि आपका भी एडेनियम इस तरह से फूल खिले। ये देखिए, ये मेरा एडेनियम का प्लांट है। अक्टूबर का मंथ चल रहा है और इसमें पत्तियों से ज़्यादा फूल खिले हुए हैं, तो इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें ताकि हमारा जो प्लांट है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करे और ये दिसंबर जनवरी तक ऐसे ही फूल खिलता रहे। तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी जिसके डालने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा फूल भी खिलते हैं, और कुछ केयर टिप्स भी शेयर करूँगी जिसको करने के बाद हमारा एडेनियम का प्लांट ऐसे ही फूल से भरा रहेगा, चाहे वो देसी एडेनियम हो या हाइब्रिड। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। बरसात के बाद दोस्तों एडेनियम का प्लांट बहुत ही लश ग्रीन सा दिखने लगता है, बहुत हरा भरा खूबसूरत दिखता है, ग्रीन ग्रीन सा रौनक आ जाती है इसमें, लेकिन इसमें फूल नहीं खिलते हैं। लेकिन अगर बारिश के दिनों में थोड़े बहुत फर्टिलाइज़र दे देते हैं इस प्लांट्स में तो इस प्लांट्स में हमेशा फूल खिलते रहते हैं। ये प्लांट्स को कटिंग से मैंने ढेर सारे प्लांट्स बनाए हैं। देखिए, ये जो प्लांट है मेरा कटिंग से तैयार किया हुआ है और इसमें भी फूल खिल रहे हैं, और ये जो प्लांट है ये बीज से तैयार किया है। तो दोनों में अंतर है दोस्तों, जब बीज से लगाते हैं तो उसमें शुरू से ही कोड़े किस तरह से बनना शुरू हो जाता है, और जब कटिंग से लगाते हैं, देखिए वहाँ भी एक कटिंग तैयार किया हुआ है, इसमें भी फूल खिल रहे हैं, लेकिन इसके रूट्स में कोडेक्स तैयार नहीं होता है, जो कि देखने में खूबसूरत नहीं लगता है इसके रूट्स, लेकिन जब बीज से तैयार करते हैं तो उसका शुरू से ही कोडेक्स हो जाता है और खूबसूरत दिखता है। तो ज़्यादातर आप बीज से लगाएं तो वो प्लांट्स कोडेक्स बनता है, तो देखने में खूबसूरत भी लगता है। एक और मैंने यहाँ पर देखिए छोटा सा प्लांट्स लगाया है, ये बीच से ही लगाया है, और जब इस तरह से 2-3 इंच का जो प्लांट हो जाता है तो शुरू से ही इसमें कोडेक्स बनना शुरू हो जाता है। और ये देखिए बड़ा सा जो मेरा प्लांट है एक वृक्ष जैसा बन गया है, इसमें बिल्कुल कोडेक्स नहीं है और पूरा ये गमला मेरा भरा हुआ है इसके मोटे रूट से, पूरा देखिए ये वृक्ष जैसा है और बिल्कुल कोडेक्स नहीं बना हुआ है। देखने में सिंपल एक पेड़ जैसा लग रहा है, लेकिन फ्लावरिंग देखिए ज़बरदस्त हो रही है। तो दोनों में अंतर है दोस्तों, कटिंग से भी आप लगा सकते हैं और बीज से भी लगा सकते हैं। लगाने की बात करें तो दोस्तों अभी बहुत अच्छा समय है इसको कटिंग से तैयार करने के लिए, क्योंकि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। बारिश तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन मौसम बहुत नमीयुक्त है, तो इस मौसम में आप एडेनियम की कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाती है। और ये दोस्तों मेरा जो प्लांट है देखिए कितना मोटा इसके ब्रांच हो गए हैं, और ये बिल्कुल एक 10 इंच के गमले में मैंने लगाया है, ये देखिए, और पूरा गमला भर गया है, लेकिन कोडेक्स बिल्कुल भी नहीं है, और मिट्टी थोड़ी सी ही दिख रही है क्योंकि पूरा रूट्स इसका भर गया है, तो इसको रिपोर्टिंग भी मेरा करना है। लेकिन दोस्तों अगर इसको प्रूनिंग आप करते हैं तो ये प्लांट बहुत घना हो जाता है, तो जब भी प्लांट को प्रूनिंग करें आप फरवरी में प्रूनिंग करें, उस समय ये जनवरी में, ये दिसंबर जनवरी में रेस्ट में रहता है, तो आप फरवरी में इसकी प्रूनिंग कर देते हैं तो सालों भर आपका प्लांट फूलों से भरा रहता है, क्योंकि हमेशा फूल इसमें बने रहते हैं इस तरह से। तो फरवरी में इसकी प्रूनिंग करें। बात करें दोस्तों कि इसको बारिश का पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, पसंद अगर है भी तो थोड़ी बहुत बारिश के पानी में ये प्लांट रह जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर लगातार बारिश का पानी इस प्लांट्स को पड़ रहा है, इस प्लांट्स को मिल रही है, तो ये प्लांट्स ज़्यादा ख़राब होने का चांस रहता है। इसकी रूटें गलने लगती है, इसके ब्रांच भी ख़राब होने लगते हैं और फूल भी कम खिलते हैं, तो पत्तियाँ तो ज़्यादा खिलेंगी लेकिन फूल नहीं खिलेंगी। तो अगर लगातार बारिश हो रही है या फिर लगातार आप रोज़ बार इस प्लांट्स को पानी दे रहे हैं तो पानी देना बंद कर दें, क्योंकि इसके हर ब्रांच में पानी लोड रहता है, तो ये अपना भोजन पानी अपने आप ये ले लेता है, इसलिए ना ज़्यादा इसको बारिश का पानी पसंद है और ना ही ज़्यादा इसको शाम सवेरे पानी की ज़रूरत पड़ती है। और लेकिन दोस्तों इसको धूप बहुत पसंद है, अगर इस प्लांट्स को धूप में रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसमें फूल खिलते रहते हैं, हमेशा आपके प्लांट्स में एक दो फूल खिलते ही रहते हैं। मेरा जो प्लांट है दोस्तों देखिए पूरा फूल गुच्छे में फूल खिलते हैं, ब्रांच बिल्कुल छोटे से प्लांट है, बिल्कुल ब्रांच नहीं है, लेकिन फूल देखिए गुलदस्ते जैसा खिला हुआ है। तो आप पानी कम दें, धूप इसको ज़्यादा रखें। मिट्टी की बात करें दोस्तों तो इसकी मिट्टी जो होती है वेलड्रेन होनी चाहिए, ज़्यादा पानी इसमें नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि इसको पानी पसंद नहीं है, तो अगर मिट्टी गमले में पानी रुकती भी है तो ये प्लांट के रूटें गलने लगती है, तो इसलिए इसकी मिट्टी वेलड्रेन बनाए बिल्कुल, और रेतीली मिट्टी इसकी हो तो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि रेत वाली मिट्टी में पानी लोड नहीं रहता है, बस नमी रहती है, तो रेतीली में इसकी मिट्टी इसको बहुत अच्छी रहती है। जैसे मिट्टी अगर बना रहे हैं तो इसकी मिट्टी जैसे
30% मिट्टी ले, 40% इसमें ये रेत डाले या फिर कोकोपीट डाल रहे हैं, और उसी के अनुसार आप इसमें 30% वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद डाल सकते हैं और 10% इसमें नीम की खली डाल सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी बनाए, रेतीली मिट्टी बनती है तो ये बहुत अच्छे से प्लांट चलता है, कभी ख़राब होने का चांस नहीं रहता है। और दोस्तों इस प्लांट्स को आप छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं, बड़े से गमले में भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए इतना बड़ा जो मेरा प्लांट है ये बिल्कुल 10 इंच के गमले में है, तो ये बड़ा सा प्लांट भी आप 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं क्योंकि इसको बोनसाई भी बनाते हैं। इस तरह दोस्तों अडेनियम के प्लांट को छोटे से पॉट्स में भी लगा के आप ढेर सारे फूल ले सकते हैं, 8 इंच के गमले में भी बहुत अच्छे से ये चल जाता है। अब बात करें दोस्तों कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दे ताकि हमें ढेर से ढेर फूल मिलता रहे, तो अक्सर दोस्तों आप एक महीने दो महीने के अंतराल में महीने में ही आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या फिर सॉलिड फर्टिलाइज़र। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप केले के छिलके का जो बनाना पील्स होता है वो दे सकते हैं, उसमें पोटासियम भरपूर मात्रा में होता है, और आप चाहे तो इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र में गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दे, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे जो फर्टिलाइज़र हैं आप दे सकते हैं महीने में एक बार। और दोस्तों घरेलू आप इसमें प्याज के छिलके का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अब दोस्तों अक्टूबर का महीना चल रहा है और बारिश ख़त्म हो गई है, मौसम में नमी भी हो गई है, तो अभी जो इसको फर्टिलाइज़र चाहिए दोस्तों वो कि इसके जो रूट्स है उसको ज़्यादा मजबूत करें, क्योंकि बारिश के बाद सारे प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसको रूट्स को मजबूत करने के लिए हम जो अभी फर्टिलाइज़र देंगे वो बहुत ही पावरफुल है, और वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को भी बहुत तेज़ करता है, प्लांट्स के रूट्स को मजबूत करता है, और फूल देने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले प्लांट्स की गुड़ाई कर लेती हूँ। ये जो मेरा प्लांट्स है 10 इंच के गमले में लगा है, बिल्कुल मिट्टी गुड़ाई करने की जगह भी नहीं है, देखिए मिट्टी बहुत कम हो गई है। मैं इसको रिपोर्ट करूँगी, अभी मेरा ये प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है, तो इस समय इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, मैं फरवरी मार्च में इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। तो अभी जो मैं फर्टिलाइज़र दोस्तों इसमें डाल रही हूँ गुड़ाई करने के बाद, ये है पोटास, इसमें पोटासियम भरपूर मात्रा में है। आप इसके बदले केले का छिलके का जो बनाना पील कहते हैं उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, या फिर बनाना केले के छिलके का पाउडर फॉर्म में भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अभी दे रही हूँ ये केमिकल पोटास। ये जब बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं होता है, ऑर्गेनिक ही होता है, तो इसको आप 10 इंच के गमले में लगाए हैं तो 2 चम्मच बहुत आसानी से ये अच्छे से चल जाता है, क्योंकि मिट्टी कम है तो ये 2 चम्मच ही डालें, ज़्यादा नहीं। अगर मिट्टी गमला और छोटा है तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, तो ये मेरा 10 इंच का गमला है इसलिए मैंने 2 चम्मच दिया है। तो इस तरह से ये जो फूल खिलेगा दोस्तों ये दिसंबर जनवरी तक ऐसे ही खिलता रहता है, और मैं अक्सर बारिश में यही फर्टिलाइज़र देती हूँ। आप DAP भी इसमें DAP के कुछ दाने 10-12 दाने आप देकर फूल ले सकते हैं। तो अभी जो अक्टूबर का मंथ है इस मंथ में आप पोटाश डालें और DAP के दाने आप डालकर ढेर सारे फूल ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने अडेनियम के प्लांट्स में अक्टूबर में केयर करें और ढेर सारे फूल लेते रहें, देखिए कितना ज़्यादा फूल खिलता है अगर इस तरीके से आप अपने प्लांट्स की केयर करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।